थ्योरम हो गई थी भाई आपकी, एक थ्योरम कराई थी हमने आपको, एवरी ग्रुप हैविंग यूनिक आइडेंटिटी, एवरी एलिमेंट इन ए ग्रुप हैविंग यूनिक इनवर्स, एंड नेक्स्ट थ्योरम हमने कराई थी आपको कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ एंड राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है भाई, एंड इक्वेशन ए स्टार एक्स हैज ए सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ बी प्रेजेंट, मैं आपके जो यूनिवर्सिटी सिलेबस में देखूँ तो सिलेबस में नहीं है, नहीं तो सिलेबस में देखिए यूनिट फर्स्ट में आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है, जनरल स्ट्रक्चर है, एक दिया हुआ है ग्रुप ग्रुप, हाँ एक तो ये यूनिट फर्स्ट है, अभी जो प्रेजेंट में यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस साइड पे है डिस्ट्रिक्ट का, उसमें इनको दिया हुआ है ग्रुप यूनिट फर्स्ट में, एंड प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप एक ही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो कुछ प्रॉपर्टी तो हम आपको करा चुके हैं, एग्जांपल्स भी करा चुके हैं ग्रुप के, कुछ एग्जांपल्स आप भी सॉल्व करेंगे ग्रुप एंड प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप। नेक्स्ट दिया हुआ है साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप क्या दिया हुआ भाई, साइक्लिक ग्रुप एंड प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक, साइक्लिक ग्रुप एंड प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक, ये भाई अब एग्जांपल हम आपको करा चुके हैं, साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन हमने करा दी, डेंजर टाइम का आपको बता दिया, ग्रुप की प्रॉपर्टी चल रही थी कुछ करा दी आपको, साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन करा दी कुछ भाई साइक्लिक ग्रुप, ठीक है भाई, ये यूनिट फर्स्ट आपके आज तो दोनों लगेंगे और एवरी साइक्लिक ग्रुप इज कम्यूटेटिव, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज कम्यूटेटिव, प्रूव दैट every cyclic group is commutative, group haan ji definition of cyclic group, haan ji aap cyclic group ko kis prakar define karenge bataiye boliye, हाँ जी डेफिनेशन कराइए आपको बोलिए, एक ग्रुप साइक्लिक होगा कब, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट जी इक्वल्स टू ए की पावर एन, एन बिलोंग्स टू जेड, कहने का मीन क्या होगा कि जी के एवरी एलिमेंट को, एवरी एलिमेंट ऑफ जी जनरेटेड बाय ए, every element of G generated by A, if there exists at least one element A belongs to G, such that every element of G generated by A, in this case G is called cyclic and A is called generator of G, जैसे iota से generate कर रहे थे तो iota उसका generator था, तो अगर suppose that G cyclic है, G कैसा है भाई, cyclic, तो डेफिनेटली वहां पर हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिससे जी के प्रत्येक एलिमेंट को क्या किया जा सकता है, जनरेट, तो यानी कि जी के जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म में मिलेंगे, ए की पावर की फॉर्म में मिलेंगे, तो सपोज दैट अगर हमने कोई दो एलिमेंट उठाए एक्स और वाई, इसके जी के, और जी कैसा है आपका साइक्लिक, तो एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर आ, और वाई को क्या लिख सकते हो आप, ए की पावर एस, ए की पावर आर एंड इसे क्या लिख सकते हो आप, ए की पावर आर, और इसे क्या लिख सकते हो आप, ए की पावर एस, इसे आप लिख सकते हो ए की पावर आर, और इसे आप लिख सकते हो क्या भाई, ए की पावर एस, ए की पावर आर और ए की पावर एस,
कोई प्रॉब्लम? x को आप लिख सकते हो e की पावर r और a की पावर s। अब आपको क्या प्रूव करनी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी भाई? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के लिए x into y, तो ar plus s, इसको क्या लिख सकते हो? as plus r, तो as into ar, तो y into x, x into y equals to y into x, तो x satisfy commutative, sorry, g satisfy commutative problem, ठीक है भाई? तो इस प्रकार हम इसे प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ लेंगे इसका। तो सबसे पहले ग्रुप मानेंगे, वो भी कैसा? साइक्लिक। और साइक्लिक का तो डेफिनेटली है, देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट जी जनरेटेड बाय ए, तो लिखेंगे लेट जी स्टार बी ए साइक्लिक ग्रुप, लेट जी स्टार बी ए साइक्लिक ग्रुप, देन देयर एडजेंट, किसका साइन होता है देयर एडजेंट, एन एलिमेंट ए बिलोंग टू जे सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जे जनरेटेड बाय ए that is g equals to a b power n where n belongs to j. Now you saw that this group is cyclic. For this you will be take two elements. Now let x equals to a b power r and y and next element y equals to a b power s belongs to j, where r and s belongs to z. Set of integers a b and r power n such that n comes to j. So now, so therefore, x into y निकालेंगे भाई। x into y equals to क्या आना चाहिए? y into x, तभी तो क्या होगा? Commutative। तो x into y निकाल रहे हो, value of x a की power r into a की power s a की power r plus s, ऐसे क्या लिख सकते हो? a की पावर s प्लस r, रिजल्ट लिखेंगे सिंस s एंड r जो एलिमेंट है वो किसके हैं? z के, सेट ऑफ इंटीजर। और सेट ऑफ इंटीजर एडिशन के लिए हमेशा कैसा होता है? कम्यूटेटिव। कैसा होगा भाई? कम्यूटेटिव। दिस इंप्लाई s प्लस r इक्वल टू r प्लस s फॉर ऑल r s that means z satisfy commutative property for addition. Then in this case base are same, isko kya le sakte ho? as into ar, as ki value kiske equal hai bhai? y ke into x, so therefore aapka kya aa gaya? x dot y equals to y dot x for all x y kiske element ke bhai? g ke, for all x y belongs to g, so hence J is a commutative every cyclic group is commutative group, but converse is not necessary true, but iska jo converse hai wo true ho iski koi guarantee nahi hai. Every cyclic group is commutative group, but converse is not necessary true, ठीक है भाई? कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी। आज आपकी यूनिट खत्म हो जाएगी, ठीक है? कल से नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे आपकी, यूनिट नंबर 2।
इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप, इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप, एवरी साइकिल ग्रुप इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप। आज लिखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट पार्ट, देखो जे स्टार बी साइकिल करो, साइकिलिंग ग्रुप एंड इफ जी स्टार बी इज साइकिलिंग ग्रुप एंड ए ग्रुप टू डी वी ए जनरेटर ऑफ जे दैट ए इनवर्स ब्लॉक टू जे आल्सो बी जनरेटर ऑफ जे। ये तौरव का स्टेटमेंट है आपके सामने, जी स्टार एक साइकिल ग्रुप है, ए जी का एलिमेंट है और ए को जी का क्या कहा गया है जनरेटर। जब ए जी का जनरेटर है तो आपको शो करना है कि ए इनवर्स भी किसका जनरेटर होगा, जी का जनरेटर होगा। ठीक है, सपोज दैट जैसे ए अगर जनरेटर है तो उसका इनवर्स भी उसका क्या होता है, हमेशा जनरेटर होता है। जैसे हमने 1 माइनस 1 आल्फा माइनस आल्फा में देखा था, आल्फा का जो ऑर्डर था वो कितना था, 4 था। ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा भी कितना था, और आयोटा और माइनस आयोटा दोनों क्या थे, उसके जनरेटर थे और आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा था। ठीक है, आपको शो करना है कि जी साइक्लिक ग्रुप है, ए जी का एलिमेंट है जिसका जनरेटर क्या है, ए है। तो आपको शो करना है कि ए इनवर्स भी जी का जनरेटर होगा। ठीक है, अब देखिए भाई, सपोज दैट जी साइक्लिक है, चीजें साइकिल, जी कैसा है साइकिल, जी साइकिल क्या है, तो एवरी एलिमेंट को किसकी पावर की फॉर्म में लिखा जाएगा, एनी प्रॉब्लम, अबे या तो कोई प्रॉब्लम, इसे क्या लिख सकते हैं बताना, हाँ जी इसे ऐसे लिख दे तो कोई प्रॉब्लम, ए इनवर्स पावर, एनी प्रॉब्लम, अगर एन जेड का एलिमेंट है तो माइनस एन भी किसका एलिमेंट होगा, जेड, तो अगर माइनस एन को हम किसके इक्वल डिक्लेयर कर ले, एम, तो एम भी किसमें जा रहा है, जेड, तो इसे क्या लिख सकते हो आप, ए इनवर्स की पावर एम, वेयर एम बिलोंग्स टू जेड। तो जी के जो एवरी एलिमेंट को किसकी फॉर्म में भी जनरेट किया जा रहा है, ए इनवर्स की फॉर्म में भी जनरेट किया जा रहा है, तो इस केस में ए इनवर्स भी जी का क्या है भाई, जनरेटर, क्या है भाई, जनरेटर। यही तो शो करना था, तो एक ही टर्म में तो जनरेट किया ही जा रहा है, तो हमें शो करना था कि ए इनवर्स की फॉर्म में भी जनरेट किया जा रहा है। तो लिखेंगे इसका प्रूफ, ये मिलता है जी स्टार इज ए साइकिल ग्रुप देन कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज जी
दैट इज
ऑर्डर निकालोगे, ऑर्डर ऑफ ए कितना है यहाँ पर? फाइव।
तो यार यहाँ तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू फाइव, ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर तो क्या निकलेगा, ऑर्डर ऑफ ए अपॉन जी सी डी, ऑर्डर ऑफ ए और टू, तो ऑर्डर ऑफ ए कितना था, फाइव, जी सी डी फाइव और टू, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना आएगा, वन, दोनों वन से डिवाइड होगा तो इसका भी कितना हो गया, फाइव। ऑर्डर ऑफ ए क्यूब थ्री सॉरी फाइव, और जी सी डी फाइव और टू सॉरी फाइव और थ्री कितना होना, फाइव, फाइव अपॉन वन इक्वल टू फाइव। एंड ऑर्डर ऑफ ए फोर प्राइम ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, कितने ऑर्डर का, प्राइम, प्राइम ऑर्डर का है तो एवरी एलिमेंट इज ए जनरेटर, एवरी एलिमेंट इज ए जनरेटर, तो फोर जनरेटर होंगे आइडेंटिटी को छोड़कर, ठीक है, आइडेंटिटी होगा। तो ए फोर का क्या निकलेगा, फोर अपॉन जी सी डी फाइव और फोर, वन ही आएगा, ऑर्डर ऑफ ए फाइव, फाइव अपॉन फाइव 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 फाइव, वन वन होता है, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा कितना होता है, तो फोर जनरेटर। एंड एंड ऑर्डर ऑफ ए फाइव इक्वल टू, इसका आइडेंटिटी है फिर भी निकाल देते हैं, फाइव अपॉन जी सी डी फाइव फाइव वन, तो देयर फॉर ए ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ ए क्यूब एंड ऑर्डर ऑफ ए फोर इक्वल टू कितना, फाइव। This implies A, A star, A cube and A four are generators. Generators of J. Of cyclic group of J. Of हमेश के जनरेटर्स बताइए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो एंड जनरेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप ई इक्वल्स टू ए ए स्क्वायर ए क्यूब कंपेयर टू ए इक्वल्स टू ई जनरेटर्स बताइए। एट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, इसके जनरेटर्स कितने होंगे और क्या होंगे, हाउ मेनी जनरेटर्स ऑफ जे वेयर जे इक्वल्स टू ए स्क्वायर ए क्यूब ए एट इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ए ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ए ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी, बताइए भाई। G equals to A A square A cube dot 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 A A equals to A. Order of the group equals to 8. Find the generators of J. कौन कौन सा जनरेटर होगा, आप एक चीज देख सकते हो जनरेटर्स के लिए क्या, जी सी डी ऑफ आर एंड ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू वन आना चाहिए, कितना आना चाहिए, वन, ये तो बताया था नोट में, जैसे इसका एक एट, इसका ऑर्डर कितना है, एट, वन का और एट का जी सी डी कितना आएगा, वन आएगा ना, ए जनरेटर हो जाएगा, टू और एट का कितना आएगा, टू, तो ये जनरेटर नहीं, थ्री और एट का कितना आएगा, वन, तो थ्री हो जाएगा, फोर और एट का कितना आएगा, फोर, ये नहीं होगा, फाइव और एट का कितना आएगा, वन, फाइव हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, सेवन हो जाएगा, फोर निकलेंगे, ए ए क्यू
a फाइव और a सेवन, ठीक। तो निकालो इसे, सॉल्व कीजिए, जनरेटर से निकालें या निकाल सकते हैं जीसीडी ऑफ, निकालो सभी का ऑर्डर निकालो और जनरेटर से बताइए भाई फाइंड द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट इन जनरेटर्स ऑफ जे, फाइंड द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट एंड जनरेटर्स ऑफ जे। Find the order of every element and generators of J. मजी कितने निकल पाए इसके जनरेटर्स? क्या A G Q A five एंड ए सेवन सर जी, ए नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें आपको नेक्स्ट यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट करना, ठीक है भाई, धन्यवाद।